अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और इस डिज़ाइन का ऑर्डर आया था, मैंने इसका पीलो कवर बना के दिखाया था अपने सालिया पेंटिंग वाले चैनल पर, लेकिन अब वो चैनल डिलीट हो चुका है फ्रेंड्स। उस चैनल पर जो है, अब क्या पता कब तक वो ठीक होगा। तब तक मैं अपने दूसरे चैनल पर सालिया पेंटिंग सेकेंड चैनल मैंने नाम डाला हुआ है। इस चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस वगैरह देखने के लिए चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो करें और मैं इस पे जो है वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहूँगी। जब तक मेरा वो चैनल सही नहीं हो जाता, मैं इसी पे ही काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, जिसकी पेंटिंग की क्लासेस जो है, फैब्रिक पेंटिंग क्लासेस हमारे यहाँ होती है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो में नंबर हमने डाल दिया है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और एक बार फिर से बता दूँ कि मेरा दूसरा चैनल जो है डिलीट हो गया है। काफ़ी लोग परेशान हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं मुझसे, जिनके पास नंबर है वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सर्च कर करके ही परेशान हुए हैं कि मेरी वीडियोज़ उनको क्यों नहीं मिल रही है, क्या हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल डिलीट हो गया है और जब तक सही नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि सही हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जैसे हमने जो है कंप्लेन की है। तो देखिए, ठीक हो जाता है तो आप सबसे भी दुआएं हैं, दुआ करिए कि हमारा चैनल जो है वापस हमें मिल जाए, क्योंकि 5 सालों की मेहनत थी उसमें। 5 साल के बाद यहाँ तक पहुँची थी मैं, बहुत मेहनत की थी उस पर, और अचानक से वो हमारा चैनल जो है चला गया है। यूट्यूब से उतना कुछ तो नहीं था, लेकिन उसके ज़रिए मेरे पास और भी काम वगैरह आते थे, वो सब बंद हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप सबसे सपोर्ट है कि मेरे इस चैनल को भी ग्रोथ करें, और जो है वो मेरी जो, और इसी से सब लोग जाने मुझे, और जो ऑर्डर वगैरह मेरे यहाँ आते हैं वो दोबारा से मुझे मिलने लगे। तो मेरा मकसद, मेरे चैनल का मकसद यही था, उससे उतना मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। महीने, 2 महीने, 3 महीने इस तरह से पेमेंट आ जाती थी, और उससे पैसे भी नहीं मिलते थे, बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं मिलते थे। सिर्फ ये था कि जो मैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस करवाती थी उसके बारे में बोलती थी तो लोगों को पता चल जाता था उससे, और जो लोग ऑर्डर करना चाहते थे, अच्छी डिज़ाइन चाहते थे, उनको मतलब वो उस ज़रिए से मुझ तक पहुँच जाते थे, ऐसा था। और लेकिन वो चैनल डिलीट होने की वजह से मेरा सब चीज़ जो है बिल्कुल वो हो गया है। और उसी का मतलब वो था कि मैं काम करके अपना जो है यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, कि मतलब अपना काम करूँगी और भी मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा अपना खुद का घर नहीं है। तो बहुत मेहनत भी मैं इसीलिए कर रही थी उस पर, फिर ऑर्डर वगैरह पे भी ले रही थी ताकि कुछ बना सकूं, लेकिन बीच में ऐसा हो गया है। और आप सब दुआएं करिए कि बस ठीक हो जाए चैनल, और 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम लगे लेकिन ठीक हो जाए, क्योंकि उससे मेरा जो है और जो मेरा ऊपर का काम था वो चलता था। मुझे यूट्यूब के पैसे की वो नहीं थी, लेकिन जो है मेरा जो अपना बिजनेस था उसके ज़रिए उसको मैं चलाती थी, ऑर्डर वगैरह उसी के ज़रिए लोग देते थे, उसमें मैं नंबर डालती थी कहाँ कहाँ पहुँचता था, और उसके ज़रिए सब मुझसे कांटेक्ट करते थे और सारी डिटेल्स वगैरह उनको दी जाती थी, और वो ऑर्डर पे अपनी जो चाहे मंगवा सकते थे। लेकिन अभी जो है इस पे वीडियो जो है इतनी वायरल नहीं होती है, 100-200 इस तरह से भी आते हैं, और तो इतने ही लोगों में रह जाती है वीडियोज़, तो इसी वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ। लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो जो है मेरी यही ये चैनल भी मेरा जो है जल्द से जल्द ग्रोथ हो जाएगा, और फिर से मेरे जो जानने वाले हैं मुझे जानेंगे, और जो मेरा काम मैं कर रही थी अपने घर पे वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं आपको पूरी अभी दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है, इसकी मैंने पीलो कवर बनाई थी।
और इसकी पेंटिंग भी मेरे पास जो साले पेंटिंग में मैंने चैनल पे अपलोड की थी, तो अभी तो वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन जो इसका फ़ोटो है फ़ोटो है मैं इसमें डाल सकती हूँ। आप अदर कलर डाल के जो है इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप अपने हिसाब से कलर डालेंगे ना तो पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसमें रेड कलर डाल सकते हैं, अगर लाइट कलर पे बनाते हैं तो रेड कलर से फ्लावर बनाएं और ब्राइल पर्पल से बनाएं, मरून शेड डाल के आपका जो है आपकी जो पेंटिंग है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। रोज़ फ्लावर रेड से बनाएं या फिर ब्राइल पर्पल मरून के शेड के साथ बनाएं, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और जो ऊपर वाला हिबिस्कस के जैसा फ्लावर है उसको आप जो है वॉलेट कलर से या फिर मॉव कलर से बनाएं, वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा वाइट शेड के साथ, तो आप बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, अभी मैं आपको पूरी डिज़ाइन दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो आप पूरी डिज़ाइन भी देखिए। और एक बार फिर से कहूंगी कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ कर सकते हैं, और अगर घर बैठे डिज़ाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। आपको सिर्फ डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करके अपनी डिज़ाइन अपने घर पे मंगवा लेनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक हफ्ते में 10 दिन में डिज़ाइन मिल जाती है। और यहाँ पे मैं लास्ट में चल रही हूँ, देखिए इस तरह से। और इस तरह से ये हमारी एक साइड की डिज़ाइन हमने बनाई है, आप चाहें तो साइड साइड से भी लगा सकते हैं। ये मैंने पैर के साइड की डिज़ाइन बनाई है, आप अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं दोनों साइड में भी डाल सकते हैं, बीच में बूटे वगैरह फैला सकते हैं। बूटे की जगह पे आपको क्या बनाना है, ये जो दो फ्लावर आप लास्ट में देख रहे हैं वो दो फ्लावर बना करके और एक नीचे के लीफ एक ऊपर के लीफ बना के उसमें बीच में ग्रास जो है जो बारीक बारीक लाइनिंग में बनाती हूँ बीच में वो शेड दे देना है, और आपके फ्लावर जो है बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से लगेंगे। और एक लीफ इस साइड भी कर देना है, फिर देखिएगा कि आपकी जो चादर है वो कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी दिखती है। तो डिज़ाइन आप पूरी देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगी कि डिज़ाइन कैसी बनी है, और मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी क्योंकि ऐसी डिज़ाइन बहुत कम ही मिलती है। और आज हमने बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब चीज़ देखिए, हम बारीक बारीक जो है इसमें शेड डाल देंगे, ग्रास जो है लगाएंगे पेंटिंग के टाइम, जो भी खाली जगह रहेगी उसमें ग्रीन शेड का हल्का हल्का सा शेड डाल देंगे। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से, और ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम अभी आपको पूरी डिज़ाइन दिखाते हैं। एक बार फिर से कहूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग वीडियोस ढूंढ रहे हैं मेरी उनको मेरा चैनल ये मिल सके, और जो है वो फिर से हमारे चैनल पे जो है ज्वाइन हो सके और उनको मेरी वीडियोस बन मिल सके। काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनके पास मेरा नंबर है उनकी तो कॉल ही आ रही है मेरे पास बार बार, और जिन लोगों को नहीं मालूम होगा वो तो सिर्फ सर्च करके रह जा रहे होंगे क्योंकि वीडियोज़ तो मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरफ की डिज़ाइन हो गई है, और इस तरह से हमारी दोनों तरफ की डिज़ाइन है, आपको पूरी डिज़ाइन दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ी सी डिज़ाइन है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने हाफ पार्ट की बना ली थी तो उसको मैंने फोल्ड करके जो है दूसरी तरफ बनाई है, देखिए ये पूरी डिज़ाइन है। अगर आपको चाहिए तो आप घर बैठे इसका ऑर्डर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं आप। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी है, ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत ही प्यारी सी लग रही है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए एक बार मैं फिर को आपको पूरा दिखाती हूँ डिज़ाइन कि किस तरह से हमारी डिज़ाइन जो है बनी है। ये देखिए साइड से इसमें हमने दो तरह के फ्लावर्स डाले हैं, सॉरी तीन तरह के फ्लावर्स डाले हैं, छोटे और दो बड़े, डिफरेंट फ्लावर हैं। अगर आप इसमें अच्छे से शेड डालेंगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और अच्छी दिखेगी। तो ये काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जब आप बारीक शेड के साथ इसको बनाएंगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी बनने वाली है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और चलिए मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, आप पीलो कॉल
फिलोकर की डिज़ाइन भी हमने तैयार कर रखी है, उसको भी देखिए मैंने डिज़ाइन कर रखी है। तो अभी मैंने ये जो है ऑर्डर पे बनाया था, तो उसकी डिज़ाइन मैं खुद भी रखूँगी, क्योंकि कभी अगर मुझे बनाना हुआ तो इसको मैं बनाऊँगी। देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो रोज़ फ्लावर में पहले हम यू शेप देते हैं, और जिससे हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से हमें फ्लावर ड्रॉ करना चाहिए, और इजी भी हो जाता है। तो आप भी अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ड्राइंग करने आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये बनने के बाद ये बीच वाला पार्ट हाफ सर्कल, फिर इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से हम एक एक जो है पेटल्स को बनाते जाएंगे, और इसको ऊपर की तरफ पूरा कर देंगे यहाँ पर। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये फ्लावर, बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों साइड से इस तरह से दो दो पेटल्स बनाएंगे। चार पेटल्स में हमारा फ्लावर यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसको और बड़ा करना है तो नीचे साइड हम चार पेटल्स और जोड़ देंगे, जो कि एकदम बिखरा हुआ फ्लावर बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि बिखर के पीछे की तरफ खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा रोज़ फ्लावर तैयार है। अब इसी में हम लीफ वगैरह जो है उसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, देखिए। ये फ्लावर भी डाल देंगे इसमें, ज़्यादातर हम वाइट कलर भी डाल सकते हैं, और हल्का हल्का और कलर जो कलर हमारा होता है वो कलर डालेंगे। और ये डार्क शेड पे बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, अगर वाइट शेड पे बनाएंगे तो फ्लावर को थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। नीचे की साइड यहाँ पे दो लीफ बनाएंगे, उसके बाद डंठल बनाएंगे फ्लावर का। डंठल बनाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है उसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए थोड़ा सा स्केच वो हो गया, मतलब बहक गया इधर चलाने में। तो यहाँ पे हमने तीन डंठल डाली है, और यहाँ पे लीफ से पूरा करेंगे इसको, उसके साइड में भी लीफ बनाएंगे इस तरह से। दो दो लीफ ज्वाइन करके अगर हम फ्लावर की साइड साइड में देते हैं तो हमारी लीफ जो है काफ़ी खूबसूरत लगती है, और जो डिज़ाइन होती है उसकी भी खूबसूरती उससे ज़्यादा हो जाती है, जितनी की दिखनी चाहिए उससे और भी ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज़ फ्लावर हमारा बन चुका है। तो अब ये वाला फ्लावर बनाएंगे, यू शेप बना लिया, उसमें से ये पेटल्स बना ली, दो पेटल्स जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऊपर की तरफ है, और उसी में से इस तरह से निकालेंगे उसको तोड़ते हुए, यानी कि घुमाते हुए इसको यहाँ पर लगाएंगे, और दूसरी तरफ वाली इस तरह से ला के बिल्कुल मिला मिला के दोनों तरफ की बनाएंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे पेटल्स, ये देखिए इस तरह से, इधर की भी हम बना लेते हैं। अब नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, अब इसी में अपने हिसाब से हम लीफ जोड़ेंगे, जहाँ पे अच्छी लगेगी वहाँ पे जोड़ेंगे। कैसे हमारा सेप बनेगा उसको देखते हुए लीफ वगैरह जो है हमें ऐड करनी है, और जो भी चीज़ उसमें ऐड करें ऐड करनी है। यहाँ पे देखिए लीफ जोड़नी है, ऐड करनी है। यहाँ पे तीन लीफ हमने ऊपर की साइड बनाई हुई है, उसके बाद एक फ्लावर, उसके बाद एक लीफ, इस तरह से करके डिज़ाइन को हमने पूरा कर रखा है। छोटा फ्लावर डिज़ाइन हमारी मैच करते हुए, बेडशीट की डिज़ाइन से मैच करते हुए पिलोकॉर की डिज़ाइन हमने बना ली है, और ये काफ़ी प्यारी सी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी सी है। आप देख सकते हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखें।